Hello everyone, this is Shweta Sharma. Welcome to my class and today my topic is T-test. मैं क्वेश्चन एक टी टेस्ट का क्वेश्चन लेकर उसको डिस्कस कर रही हूँ। ये टी टेस्ट बी टेक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी टेक में भी टॉपिक है ये पूरा टेस्ट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एंड बी एस सी में भी है जिस जो सैट से बच्चे करते हैं। तो दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। इसका एक मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, हम ये टेस्ट करते क्यों हैं एक्चुअली? फर्स्ट वी शुड नो कि हम क्यों कर रहे हैं ये टी टेस्ट। एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन का डेटा अगर आपको गिवन है और आपको उस पॉपुलेशन के डेटा को लेकर एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ईच एंड एवरी डिजिट को लेकर उसको चेक करें। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रैंडम सैंपल बनाते हैं और उन सैंपल्स को हम टेस्ट करते हैं। वो सैंपल अगर रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये सर सैंपल है, ये पॉपुलेशन से लिया गया है और हम उस पॉपुलेशन का जो डेटा हमने कैलकुलेट किया, वट एवर इट वॉज एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इवन वी आर कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और अदर कंट्री, तो उस केस में हम कह देते हैं कि ये पॉपुलेशन इस सैंपल के थ्रू ये होगी। या किसी कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब अगर बन रहा है और उसकी लाइफ टाइम अगर हमें गिवन है, तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ टाइम क्या इतने आवर्स होगी। इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ टाइम जो होगी वो 1000 आवर्स होगी या 4000 आवर होगी, तो ये है या नहीं है, या जो जिसमें से हमने डेटा लिया गया है वो सैंपल करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, और वी हैव टू एक्सेप्ट दी हाइपोथिसिस और नॉट। तो ये सब हम कैलकुलेट करते हैं टी टेस्ट में। तो सपोज क्वेश्चन इज दैट द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट गिव द डेटा, आइटम इज 1 to 10 एंड लाइफ ऑफ बल्ब, आइटम है 1, एक बल्ब की जो लाइफ है 4.2 है सपोज, एंड आइटम 2 4.6 है। तो ये बल्ब की लाइफ टाइम्स हमें गिवन है। कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब इज 4000 आवर? तो हमें ये बताना है कि क्या जो हमें डेटा गिवन है, इस डेटा के थ्रू ये बल्ब की जो एक बल्ब की लाइफ टाइम है वो 4000 आवर्स होगी, यानी 4000 घंटे वो चलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस लेते हैं। नल हाइपोथेसिस वो होता है जो हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर। तो ये हम लेके चलेंगे नल हाइपोथेसिस की म्यू इज इक्वल टू 4000, एंड सेकेंडली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें लेट करना होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम इसका अपोजिट लेते हैं। जैसे नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट किया कि नल हाइपोथेसिस के बल्ब की लाइफ टाइम कितना है 4000, एंड ऑल्टरनेटिव मान के चलेंगे कि लाइफ टाइम 4000 नहीं है। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। एक्स बार आपको पता है, ये एक्स आपको गिवन है डेटा, ये एक्स गिवन है, इसका एक्स बार कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने इन ऑब्जर्वेशन को सम किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 से डिवाइड किया, तो एक्स बार आया हमारा 4.4। अब हमारे पास एक्स बार हमने कैलकुलेट किया, वी हैव टू कैलकुलेट एस। व्हाट इज एस? म्यू ये है जो हमारा लाइफ टाइम गिवन है 4000। एक्स बार हमने यहां से निकाला, एस होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमें निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एस का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। एक्स माइनस एक्स बार हम यहां से निकालेंगे, एक्स बार हमने निकाला, ये आपका एक्स है, एक्स में से 4.2 माइनस 4.4 इज माइनस 0.2, 4.6 माइनस 4.4 इज 0.2, 3.9 माइनस 4.4, एक्स में से सब में से एक्स बार को माइनस करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। फिर इसके बाद हम इसका परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। इसका होल स्क्वायर हमने निकाला, इस होल स्क्वायर जो निकाला, इस पूरे का हमने सम कर दिया, इस पूरे रो का सम किया, तो हमें मिलेगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एन हो गया आपका 10, 10 माइनस 1 इज 9, ये हमने यहां से कैलकुलेट किया, तो ये आपका x माइनस x बार मिल जाएगा। पुट करने के बाद s की वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.589। अब टी टेस्ट का फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू अपॉन s माइनस रूट एन। हमने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट की, x बार हमने निकाला 4.4 s अपॉन रूट एन, ये हमने कैलकुलेट किया,
एस की वैल्यू हमारी ये है, रूट 10 मतलब होता है अंडर रूट 10, ये हमने पुट किया तो हमारे पास टी टेस्ट की वैल्यू आ गई 2.123। ये वैल्यू टी टेस्ट की कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेटेड है। अब हमें कैलकुलेट करना है इसको टेबुलर वैल्यू। आपके बुक में जो भी बुक है आपके पास स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जिस में है ये टॉपिक, उसमें पीछे बुक के पीछे एक टेबल होती है जिसमें टी टेस्ट टेबल गिवन होती है। उस टेबल में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, यहाँ पर 10 माइनस 1, हमेशा 1 माइनस करते हैं तो ये आया डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कैसे निकालते हैं, हमें कितना हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये मान के चलो हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही हम वैल्यूज को चेक करते हैं। तो 5% का मतलब हो गया 5/100, तो कितना आया 0.05, ये आया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टी टेस्ट की वैल्यू टी 0.05 पर अगर आप टेबल वैल्यू चेक करेंगे, टेबुलर वैल्यू में एक तरफ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा होता है और ऊपर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब आप पीछे बैक पर बुक के पीछे जाएंगे टी टेस्ट की टेबल खोलेंगे तो ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। इसमें लिखा होता है 0.01, 0.5, 0.5, 0.2। तो आपको किस पे कैलकुलेट करना है, 9 डिग्री पर, तो 1, 2, 3, 4, 9 यहाँ कहीं होगा, 9 पर आप 0.05 पर यहाँ देखो 0.05 की टेबल पर यहाँ जो वैल्यू लाई करती है ये आपकी होती है टेबुलर वैल्यू। तो टेबुलर वैल्यू आपने कैलकुलेट की, कैलकुलेटेड वैल्यू इज दिस एंड टेबुलर वैल्यू इज 2.26, या आपकी टेबुलर वैल्यू यहाँ टेबल से कैलकुलेट आपने किया। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन द टेबुलर वैल्यू ऑफ टी, देन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस मतलब कि लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर, इज इट क्लियर? सो लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर, कब हुआ? बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द हाइपोथेसिस, बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलर वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से कम है तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब कि जो आपको गिवन था लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर होगी या नहीं होगी, इसका मतलब है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ जाती है तो वी हैव टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। इन दैट केस लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज नॉट इक्वल टू 4000 आवर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टी टेस्ट। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका पेपर भी अभी कुछ टाइम में है। तो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली मैंने यहाँ एक ही सैंपल लिया था। इफ वी आर हैविंग टू सैंपल्स तो हम टी टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।